Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you students? Hope all of you are fine. हाँ तो बच्चों, हमने ये जो अपना चैप्टर ये स्टार्ट किया है, नया चैप्टर लाइट, तो इस चैप्टर में आज तक हमने जो पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा है लाइट के बारे में, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट हमने पढ़ा है, और इसमें हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की खसूसियत क्या है, और हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अक्कासी के कवानीन, इनके बारे में हमने आज तक पढ़ा है इस चैप्टर में। तो बच्चों, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, यानी जो प्लेन मिरर होता है, इसके जरिए तस्वीर की अक्कासी कैसे की जाती है, या तस्वीर को कैसे खींचा जाता है, तस्वीर कैसे बनती है इसके जरिए, एक प्लेन मिरर के जरिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इसका पॉइंट नंबर 4 है ये हमारे चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन बाय ए प्लेन मिरर तो बच्चों, ये जो तस्वीर हम तस्वीर की अक्कासी करते हैं, ये कैसे की जाती है एक प्लेन मिरर के जरिए, ये जो यहाँ पे ये दी गई है, यहाँ पे फिगर दी गई है, इसके जरिए हम ये इसकी पूरी अक्कासी करेंगे, इसके जरिए मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है इन फिगर पी क्यू इज ए प्लेन मिरर ऑन ओ इज एन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंस रेज AO and OC are coming from the object. These incidence rays are reflected from the mirror and reflected rays emerge as AB and CD. If reflected rays AB and CD are extended behind the mirror, they appear to meet a point I. This is that point where image is formed. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में पी क्यू जो है एक प्लेन मिरर है, आप ये ले लो कि ये जो पी क्यू है, यहाँ पे पी एंड क्यू, ये है यहाँ पे पी और ये है क्यू, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक है प्लेन मिरर हमारे पास। उसके बाद क्या है, एंड ओ इज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये जो ओ है, ये जो लाइनें खींची है यहाँ पे ओ है, ये क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंस इज ए एंड ओ सी आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अब इंसिडेंस ये जो रेज हैं ये आ रही हैं ए और ओ एंड ए से, यहाँ से आ रही है इंसिडेंस रेज, और कहाँ से आ रही हैं, एक तो ए वन और सी से, एक तो यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं और यहाँ से यहाँ तक ये रेज जा रही हैं, इस प्लेन मिरर पे पड़ रही हैं रेज। ओके, दीज इंसिडेंस रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रेज एमर्ज एज ए बी एंड सी, ये जो इंसिडेंट रे जो है ये रिफ्लेक्ट करती हैं किस पे, मिरर पे, और वहां पे क्या बनते हैं ए बी और सी डी, यानी ए ए बी और सी ए सी ए डी, ये यहाँ पे बन जाती हैं। ओके, इफ रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी आर एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर दे अपीयर टू मीट ए पॉइंट आई, जब ये एक्सटेंड हो जाएंगी उसके पीछे तो एक पॉइंट बनाएंगी, ये क्या आई पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा सीधा, यहाँ पे आई पॉइंट बन जाएगा। ओके, दिस इज दैट पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म, तो यही लास्ट पे फाइनल पॉइंट है जहां पे क्या है कोई भी इमेज आके बनती है, पूरी कंप्लीट होती है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन फिगर पी क्यू इज PQ is a plane mirror and O is an object incidence rays A and O incidence rays
O and OC, O and A, and OC are coming from the object, These incidence rays are reflected reflected from the mirror, रिफ्लेक्ट होती है ये कहां से, मिरर से. एंड रिफ्लेक्टेड रेज एमेज एज ए बी एंड सी डी If reflected rays, A, B and C, D are extended, behind the mirror, they appear to meet a point. I. This is that point where image is found. यानी ये जो पॉइंट लास्ट पे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज इमेजेस ए बी एंड इफ रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी आर एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर, यानी ए बी और सी डी ये अगर एक्सटेंड हो जाएंगी मिरर के पीछे, तो वहां पे क्या होगा, पॉइंट आई, वहां पे एक और पॉइंट अपीयर होगा जो कि होगा आई. दिस इज दैट पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्मड. ये वही पॉइंट है आई वाला, ये जहां पे इमेज जाके क्या होती है, बनती है. ओके, समझिए. तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ये आज हमने पढ़ा. ये आपको मैंने फिगर पूरा इसका, ये इमेज बना के पूरा मैंने आपको ये समझा दिया. ओके, तो इंशाल्लाह हम सुबह किस पे डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स हैं इमेज के, सम फीचर्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाय ये प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके कोई हम फीचर, कुछ फीचर के बारे में इंशाल्लाह कल हम वो पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स.